और अगर टाइम हो तो मैं एक और बात कर सकता हूँ? जी बोलो। अच्छा, कुछ नसीहत की आपकी भी ज़रूरत थी। अगर कोई बंदा है जैसे मैं हूँ मसलन, जो शुरू करना चाहता है चैनल वगैरह, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने किया है ये, वॉज इट वर्थ इट? मतलब आपने जैसे कहा कुछ ब्रॉडकास्ट में कि काम मिलना मुश्किल है, ये मुश्किल है, और थोड़ा आइसोलेटेड हो जाता है, अकेलापन हो जाता है। तो अगर कोई मतलब अभी तक जिसने शुरू नहीं किया, अगर वो करना चाहे तो क्या नसीहत है आपके लिए? आप नसीहत देती हैं लोगों को जाने के लिए इस देखो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना करना चाहिए ऑब्वियसली, मगर एक्टिविज्म और इस तरह से आप करो तो हाँ, जॉब के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप शक्ल नहीं दिखाओ, नाम बदल लो, तो देन इज डिफरेंट, कोई पहचानेगा नहीं। और हमारे लिए जो शक्ल दिखा कर इसी से बात कर रहे हैं, इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू फाइंड जॉब्स एनीवेयर। जी जी यूट्यूब इज नॉट गोइंग टू कवर, यानी ये नहीं है कि आपके सारे व्यूज पे करेगा, अनलेस कि आपके पास बहुत ट्रैफिक, राइट जी तो ये ऑल डिपेंड करता है कि आपकी सपोर्ट कितनी है। जितने ज्यादा लोग होंगे वो ज्यादा बेहतर है। या अगर आपने इसको ये नहीं देखा है कि आप इससे घर चलाओगे और आप सिर्फ थोड़ा बहुत टाइम देना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप स्टार्ट करो। जितनी ज्यादा चैनल्स होंगे, किस चीज को बंद कराएंगे लोग, यू नो। दैट्स ट्रू। मगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ जाती तौर पे कि वाज इट वर्थ इट? क्या फॉर मी, देखो मैं तो कब से कर रही हूँ इस चीज पे। आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट वुमेन एंड ऑल दिस, मैं तो 15 साल हो गए यूट्यूब जी से, यानी पहले मैं फेसबुक पे थी, यू नो, उससे पहले मैं टीवी पे बैठ के इन चीजों में बात करती थी। तो इट हैज बीन डिफरेंट फॉर मी, सो फॉर मी इट्स वर्थ इट। क्योंकि जब मुझे औरतें आके बोलती हैं कि यस, यू नो, आपकी बातें सुन के हमें हौसला मिलता है, या आपकी बातें सुन के हमने ये डिसीजन लिया, वो डिसीजन ली, तो मुझे वाकई में आई फील इट्स वर्थ। अगर मैं जी एक भी बंदे का दिमाग चेंज कर दूं तो इट्स वर्थ इट, डेफिनेटली अच्छा। नो, सेपरेटली फ्रॉम चलता है। जी नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ पहले औरतों पे अलहदा बात, मैं मजहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि औरतों पे बात करना अलहदा है, मगर जब मजहब पे करती हैं, धर्म पे, तो वो थोड़ा हो जाता है फिर, मतलब काम के लिए मुश्किल हो जाता है। मगर अगर वुमेन्स राइट के लिए, गे राइट्स फॉर एग्जाम्पल, इस तरह करती तो उस तरह तो चल सकता है। मगर आपने खुद कहा था ना कि आपने कुछ 1 साल या 2 साल से मजहब को थोड़ा अंदर शामिल जी किया था, तो उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ, वो प्रॉब्लम उसके। आ जाती है कि जब आप औरतों के हकूक के बारे में बात करते हो पाकिस्तान में, तो उसमें फॉरेन रिलीजन आ जाती है बीच में, क्योंकि आपकी रिलीजन नहीं अलाउ करती आपको बहुत सारी चीजें। अब आप होमोसेक्सुअल्स के बारे में बात करोगे तो उसमें फॉरेन मुसलमान आगे कहेंगे कि नहीं, हमारी रिलीजन में अलाउ ही नहीं है, तो हम कैसे रहने दें लोगों को यहाँ पर, राइट। तो दैट्स व्हाई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं टॉपिक, मगर उसमें खुद ब खुद ही ये रिलीजन ले आते हैं। जी चलो ठीक है, ठीक, चलो, थैंक यू सो मच थैंक राशि यू जी, सो मच। होपफुली।